अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू studyhigh.pk एंड सब्सक्राइब कीप इन कॉन्टैक्ट फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी न्यूज़ देने जा रहा हूँ। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की रोल नंबर स्लिप के हवाले से बेशुमार तलबा के प्रॉब्लम आ रहे थे, उनको आज मैं क्लियर करूँगा। और सबसे पहले मैं अपने आप को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज मैंने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को 2-3 बार कॉल की और एक बार उन्होंने उठा ली और फिर उनसे मैंने आपका प्रॉब्लम शेयर किया। यानी बेशुमार तलबा का ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहना चाहते हैं? उनका ये कहना था कि रोल नंबर स्लिप दोबारा से इशू की जाएंगी। जो दोबारा से इशू की जाएंगी, हो सकता है वो आपकी पहले की तरह सेम हो सकता है वो डिफरेंट हो, और इंशाल्लाह आपकी रोल नंबर स्लिप ज़रूर आएगी। मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ। जब बंदे को ये ख्याल आता है कि पता नहीं रोल नंबर स्लिप मेरी आनी भी या नहीं आनी, तो फिर बंदा उस लेवल से नहीं पढ़ सकता। सो अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोल नंबर स्लिप के रिलेटेड उनको अभी तक रोल नंबर स्लिप शायद इशू नहीं हुई है, वो डाउनलोड नहीं कर पाए। हाँ जी, तो रोल नंबर स्लिप तो अभी सर किसी को भी इशू पहले हुई थी, लेकिन वेबसाइट से लिस्ट हटा दी गई थी, टेस्ट पोस्टपोन हो गया था। अब न्यू डेट आ गई है तो लिस्ट भी जल्द अपडेट हो जाएगी, फिर आप अपनी डिटेल्स वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, वेबसाइट से ही दस रही है आप। तो दोस्तों अभी आपने सुनी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की बातें, उम्मीद है अब आप परेशान नहीं होंगे। और दूसरी अहम बात जो मुझे लगता है, जैसे ही पाकिस्तान मेडिकल कमीशन कल केस से फारिग होती है, परसों होती है, 99% कन्फर्म है। और मज़ीद ये कन्फर्म हो जाती है और मिस्टर जिब्रान नासिर कोई मज़ीद प्रॉब्लम अगर क्रिएट नहीं करते, तो ये उम्मीद है दोबारा से रोल नंबर स्लिप की साइट ओपन करेंगे, आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज फ्रॉम माई साइड। और बाकी आपको पता है आपने क्या करना है, यानी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़।